हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKG चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर से रिलेटेड, एंड वो है रिलायंस इंडस्ट्री। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री आज के दिन तो इसके बारे में चर्चा तो ज़रूर होनी चाहिए। 1600 के ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिल रही है, एंड आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 15 जून, यस दोस्तों 15 जून, कंपनी फ्रेश अपना 52 वीक हाई यहाँ पे अचीव किया। इनफैक्ट 52 वीक हाई भी बोलना गलत रहेगा, ऑल टाइम का हाई। कंपनी ने आज तक ये लेवल कभी भी नहीं देखा है। मतलब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख सकते हो, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख सकते हो, 6 महीने का भी देख सकते हो, ईयर टिल डेट का भी देख सकते हो, 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लेना, 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लेना, ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देख लेना। ये जो लेवल है कंपनी ने आज तक कभी भी अचीव नहीं किया, जो कि यहाँ पे 15 जून को कंपनी ने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो बहुत ही गजब की रैली हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, और भी ज़बरदस्त धमाकेदार न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड आज आप सभी लोगों को पता है पार्टली पेड शेयर जो रिलायंस इंडस्ट्री के राइट इशू से रिलेटेड जो बातें थी वो भी हम लोगों को मार्केट में सक्सेसफुली लिस्ट होते हुए देखने को मिले हैं। सो बहुत ही गजब की ये रैली है। एंड ये भी बात बताना चाहूँगा कि ऐसे नहीं कि कंपनी में प्रॉब्लम नहीं थे। अगर आप लोग 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी रिलायंस इंडस्ट्री का ओपन करके देखोगे तो आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन, ये स्टॉक हम लोगों को 1000 के नीचे जाते हुए देखने को मिला था। एंड तभी मैंने आप लोगों को कहा था, एंड अभी भी कह रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ये ऐसे शेयर है जब भी 3 डिजिट में आ जाते तो ये अच्छा खासा मौका होता है। हालांकि अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा हम लोगों को क्वांटिटी उठाने का मौका रिलायंस इंडस्ट्री ने दिया नहीं, क्योंकि हम लोगों को कमबैक बहुत ही स्ट्रांगली नज़र वहाँ पे आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री किस तरीके से ज़ोरदार गिरा था। बट यस, कंपनी ने जो रिकवरी दिखाई है ये बात बताती है कि इनका मैनेजमेंट कितना शातिर दिमाग का है, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया था। क्योंकि इनको भी पता था कि इसका फ़ायदा कैसे लेना है, कि पहले राइट इशू ला के बाद में डीलिंग नहीं थी, एक्चुअली वो डीलिंग उन्होंने पहले की थी, एंड बाद में राइट इशू के जरिए उन्होंने और भी पैसा 50+ 1000 करोड़ से अमाउंट उन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे जुटा दिया। क्योंकि कंपनी के ऊपर एक ही सबसे बड़ा दाग है, एंड वो है कर्जा, बहुत ज़्यादा कर्जा होना, ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। एंड इनफैक्ट उनके जो भाई है अनिल अंबानी, उनकी भी जो कंपनी थी वो भी इसी के वजह से, ओवर डेप्ट के वजह से बर्बाद हो चुकी थी। सो डेफिनेटली मुकेश अंबानी ने यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे स्टेप लिए कि जो अपने कर्जे को यहाँ पे कम कर सके, एंड अभी हम लोग देख रहे हैं कि उसी रोड मैप के ऊपर ये कंपनी जा रही है। सो दोस्तों, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। अगर आप YouTube के ऊपर सर्च भी करोगे रिलायंस में कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसमें आप लोगों को एक मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं स्टॉक मार्केट का कमांडो करके। तो रिलायंस में कुछ बड़ा हो सकता है, ये वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मैंने 8 महीने पहले एक पोस्ट किया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है, एंड ये वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों। मैं ऐसे कभी भी आप लोगों को फोर्स नहीं करता, बट यस, ये वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देख लेना चाहिए। मैं इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर ऊपर आई बटन पे भी मैं आप लोगों को इसकी लिंक वीडियो को क्लोज करते वक्त दे दूंगा। बट इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ओपनली बताई थी कि ऐसा हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, बट यस, जो हलचलें हम लोगों को देखने को मिली थी उससे तो हम लोग क्लियर कट कह सकते कि कुछ ना कुछ हो सकता है। बट 8 महीने लगे उसके बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो इसीलिए याद रखना, ये जो प्लान्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, 1-2 दिन वाले प्लान नहीं होते। बहुत सारे लोगों ने बीच में वीडियो भी डाला, मतलब कमेंट भी पूछा था, आपने कहा था कुछ बड़ा होगा, बट अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है, 1-2 महीना बीत गए, बट फाइनली अभी ये चीज़ हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिली है। तो ज़रूर उस वीडियो को देख लेना। सो दोस्तों, वापस हम लोग आ चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पैटर्न के ऊपर, इसके बारे में हम लोग वापस चर्चा जरूर करेंगे। बट यस, आज के दिन की पार्टली पेड अप से रिलेटेड भी क्या बातें हैं वो भी हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे एक नज़र डालेंगे 52 वीक हाई के ऊपर, ये डेटा ज़रूर दिखाना इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं 15 जून 1626.95 का कंपनी ने फ्रेश 52 वीक हाई अचीव किया, जो कि मैं यहाँ पे कट करके लिखना चाहूँगा ऑल टाइम का हाई, जो कि एक बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो आप देख सकते हो, 866 तक ये कंपनी आ चुकी थी, बहुत गजब का परफॉर्मेंस, 950, 900, 850 के लिए भी मैं तैयार था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक ये कंपनी आई नहीं। बट एनीवेज, जितना हो सके हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी, एंड ऑलरेडी हम लोग इस कंपनी में अच्छा खासा होल्डिंग कर रहे थे। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे जाते 15 जून को देखने के लिए, आज के दिन का परफॉर्मेंस सिर्फ 20-21% की डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में और कुछ डिटेल में जानना है, उससे हम लोग बाद में निपट लेंगे, बट पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं राइट इशू से रिलेटेड। यस दोस्तों, जो राइट इशू की हम लोगों को यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल रही है, हम लोग कह सकते हैं 74-75% प्रीमियम हम लोगों को देखने को मिल रहा है ओवर द इंट्रेंसिक वैल्यू, एंड ये बात की जा रही है रिलायंस के राइट शेयर से रिलेटेड। बहुत ही गजब की हम लोगों को यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल रहा है, 690 के भाव पे हम लोग को ये शेयर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो पार्टली पेड शेयर, मतलब आप बहुत सारे लोग नए रहेंगे ऑब्वियसली, मैं बताना चाहूँगा नाम में ही यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टली पेड, मतलब
इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। जो राइट इशू का प्लान अगर आप देखोगे, 3 इंस्टॉलमेंट में उन लोगों को पे करना है, तो एक साथ अमाउंट पे नहीं करना होता है, एक इंस्टॉलमेंट अभी दे देना एंड बाकी के इंस्टॉलमेंट में एंड नवंबर में नेक्स्ट 21 में उन लोगों को पे करना है। जो हमारा रिलायंस है, जो हम लोगों ने आपको चार्ट पैटर्न दिखाया है, वो फुल्ली पेड है। आपने जब खरीदा, सारा का सारा अमाउंट आपसे कट हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं फुल्ली पेड शेयर। सो ये पार्टली पेड शेयर, ये अलॉटमेंट होना, ये पहले बहुत पुराना प्रोसेस हुआ करता था। मतलब मैं अदर देन राइट इशू की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी कम्प्लीटली बदल गया। अभी तो सारे के सारे शेयर हम लोग को फुल्ली पेड देखने को मिल जाते हैं। सो आज आप लोग देख सकते हैं राइट इशू से रिलेटेड मंडे को हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिला 690 ऑन NSE। उसी के साथ साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया था कि 720-760 के रेंज में ये इस भाव पे लिस्ट हो सकता है, बट एनीवेज यहाँ पे ठीक ठाक हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है। हाई अगर हम लोग बात करें पार्टली पेड शेयर की, तो 710 के ऊपर हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों ने जरूर नोट करना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो अमाउंट कैसे निकाला जाता है पार्टली पेड शेयर का, तो बहुत सिंपल है। जो फुल्ली पेड शेयर है उसका भाव ले लेने का, जो लास्ट ट्रेडिंग का जो सेशन रहता है फ्राइडे की क्लोजिंग पकड़ लेना, एंड जो अनपेड अमाउंट रहता है, मतलब 314 तो उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, बाकी का जो अनपेड अमाउंट है वो बाद में देंगे, तो उसको अगर हम लोग हटा देंगे तो उसी के आसपास हम लोग को ये अमाउंट मिल जाएगा। इंट्रेंसिक वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही थी वो बहुत ही नीचे 300 के रेंज में, 400 के रेंज में देखने को मिल रही थी। आप लोग नीचे यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ अ रिलायंस इंडस्ट्री पार्टली पेड शेयर लगभग 397 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही थी। बट अगर हम लोग लिस्टिंग की बात करें तो बहुत ही गजब की हम लोग को लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, लगभग 700 के आसपास, 690 के आसपास, जो कि 74% तक के प्रीमियम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का पार्टली पेड शेयर भी जो राइट इशू का है वो भी करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अभी जितना उन्होंने पे किया आप लोग देख सकते हैं, उनका फेस वैल्यू आप लोगों को सिर्फ 2.50 देखने को मिलेगा। जैसे ही उन लोगों के पार्टली शेयर फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनको भी पूरा का पूरा फेस वैल्यू यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। सो उसी के प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पार्टली उन लोगों को एडवांटेज मिलते हैं, डिसएडवांटेज भी यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ओवरऑल मतलब कह सकते हैं कि पार्टली पेड शेयर में भी बहुत ही अच्छी खासी लिस्टिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें हम लोग पढ़ सकते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने गौर फरमान चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिटर्न का प्रोफाइल दिखाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं जितने भी रिटर्न है, जितने भी, एक दिन हो, एक हफ्ता हो, एक महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 10 साल, सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिवली बैठे। मतलब आज भी किसी ने भी रिलायंस को खरीदा है वो बहुत ही गजब का यहाँ पे प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। बहुत सारे लोगों का एक ही डाउट बार बार मुझे रहता है, सर फाइनली हम लोग 1600 के ऊपर जा चुके, राइट इशू से रिलेटेड भी बातें हो चुकी है, क्या अभी प्रॉफिट बुक कर ले? ये सवाल बहुत लोगों ने पूछ लिया, तो उनको एक ही बोलना चाहूँगा, ये ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना वीडियो। मैंने इधर क्लियर कट बताया कि प्रॉफिट बुकिंग ये हर एक के जो गोल्स रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका टारगेट है कि किसी पर्टिकुलर शेयर से आप लोगों को 10 लाख चाहिए एंड अगर आप लोगों का अभी प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख है, तो फिर आपका गोल अचीव नहीं किया, आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। हाँ, बट अगर किसी का टारगेट था 2 लाख एंड वो 2 लाख तक पहुंच गया, तो डेफिनेटली आप लोगों का टारगेट अचीव हो चुका है। सो आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो आप लोगों ने ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। उसी के साथ साथ प्रॉफिट बुक करने से पहले ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये भी सोचना चाहिए, क्या कंपनी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, क्या कंपनी का ग्रोथ रुक चुका है? सो आप लोगों के सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद यहाँ पे फाइंड करना है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं। मैं तो एटलीस्ट यहाँ पे होल्ड ही करूँगा, मैं लॉन्ग रेंज का शेयर होल्डर हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा होल्ड करने के ऊपर ही ज़्यादा भर देता हूँ। शेयर होल्डिंग की बात करें तो मैक्सिमम प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड 5.42% की होल्डिंग है। FIIs की बात करें तो 24% की होल्डिंग है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग 10.867% आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करते हो, LIC ऑफ इंडिया आप लोग देख सकते हैं 5.865% की होल्डिंग है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग की बात करें तो लगभग 9% के आसपास देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, अभी की जो स्लाइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिससे हम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेंगे। मतलब आप लोग देख सकते हैं पिछला क्वार्टर है एंड अभी हम लोग को ये मार्च 20 का क्वार्टर है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अच्छा साइन होता है। प्रमोटर एक ऐसे हस्ती होते हैं, उनको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होता है कि आगे के प्लान्स क्या रहेंगे, एंड उसके सिवा वो थोड़ी ना अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, तो एक अच्छा सिंबल होता है। एंड जो मैंने आप लोगों को वीडियो बोला ना देखने के लिए, उसका मैं लिंक आप लोगों को देना चाहूँगा, ये देखिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। जो मैंने कहा था कि बहुत कुछ बड़ा होगा, तभी भी वही हुआ था दोस्तों। मुकेश अंबानी, जो कि वन ऑफ द प्रमोटर है रिलायंस इंडस्ट्री के, 20,000 करोड़, यस दोस्तों, उन्होंने खुद अपने शेयर खरीदे थे रिलायंस इंडस्ट्री के, 20,000 करोड़ के शेयर खरीदे। क्यों ऐसे ही खरीदेंगे?
उनको भी पता था, कुछ ना कुछ उनका प्लानिंग चल रहा था कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे। एंड 8 महीने के बाद उसका आउटपुट आ रहा है। उसके बीच में 8 महीने बीच में आप लोग देखोगे तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा हम लोग को डील देखने को नहीं मिला था। सऊदी अरेबको की एक न्यूज़ सामने आ चुकी थी। सो ऐसे बड़े बड़े प्लान्स होते दोस्तों, एंड यही आप लोगों ने सीखना होता है। एंड आज भी आप लोग देख सकते कि इस क्वार्टर में भी रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमोटर यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के यहाँ पे ऊपर जोर दे रहे हैं। फॉरेन निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है 0.47% से, म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है 0.17% से, इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है 0.29% से, अदर DIIs ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है 0.09% से, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है 0.38% से। सो ओवरऑल अगर इस डेटा का सबसे मेन कोई पार्ट है तो प्रमोटर होल्डिंग। यस, अगर प्रमोटर ही अपने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहे तो डेफिनेटली हम लोग आगे भी ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी में और कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। बट इसके लिए वक्त लगेगा, ये शायद से कल एक दिन में हो सकता है, शायद से एक हफ्ता लग सकता है, एक महीना लग सकता है, या फिर एक साल भी लग सकता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था उसके बाद 8 महीना लगा दोस्तों कि समझने के लिए कि इनका इतना बड़ा प्लान था। सो डेफिनेटली ये चीज़ें आप लोगों ने हमेशा नोटिस करनी चाहिए कि लॉन्ग रेंज में ऐसा मुनाफा आप लोगों को होता रहता है। इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने ध्यान ज़रूर देना चाहिए। सो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हम लोग यही कह सकते हैं कि बहुत अच्छे खासी न्यूज़ देखने को मिले। उसी के साथ साथ और भी बड़े बड़े डील्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। और कोई अगर ब्रेकिंग न्यूज़ है तो यहाँ पे एक सस्पेंस वाला न्यूज़ है कि सऊदी अरेमको की डील के साथ क्या हुआ, ये भी ज़रूर देखना चाहिए। एंड सेकेंड, अभी जियो की जो लिस्टिंग रहेगी नैसडेक के ऊपर, इससे रिलेटेड आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या ये लिस्टिंग होने वाली है भी या नहीं, इसके ऊपर फोकस रखना है। थर्ड कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है तो यस, डेट फ्री से रिलेटेड पैसा तो कलेक्ट कर लिया है, ये भी बताने के लिए कि यस उससे ही हम लोग कर्जा कम करेंगे, बट एक्चुअल में हम लोगों को देखना है क्या ये डेट फ्री करने वाले हैं। एंड उन्होंने खुद ही बोला था जैसे कि 31 मार्च तक टाइम है, बट हम लोग इसी साल 31 दिसंबर तक ही इस कंपनी को जीरो डेप कंपनी बना के छोड़ने वाले हैं। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी डेप फ्री हो जाने के बाद और यहाँ पे लंबी छलान लगा सकती है, क्योंकि कर्जा ही इस कंपनी की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा बाधा डाल रहा था। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम लोगों ने इस कंपनी में क्या करना चाहिए, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो लोग चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना, पैसा लेके घर जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि यहाँ से गिरावट होगी, वो बेशक जा सकते हैं। मैं कभी किसी को प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं रखता हूँ। उसी के साथ साथ किसी ने तो एक कमेंट लिखा था, सर रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने निवेश किया, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने काउंटर में रिप्लाई दिया कमेंट और पूछा कि टारगेट क्या था, तो उन्होंने कहा था कि मैं कम से कम इसको और 5 साल होल्ड करने का सोच रहा था। सो मैंने उनको यही कह दिया कि अगर आप सोच ही रहे थे कि 5 साल होल्ड करना, तो अभी क्यों निकलना चाहते हो। सो ये हर एक का डिपेंड करता है कि यहाँ पे टारगेट क्या था, उसके मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। इसलिए मैंने जो वीडियोज़ आप लोगों को आई बटन पे बताए, ज़रूर उनको देख लेना। रिटेल निवेशकों को इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, बट ज़रूर देख लेना, वो देखने के बाद आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, मैं एटलीस्ट अभी भी इसको होल्ड ही कर रहा हूँ। मैं लॉन्ग रेंज का शेयर होल्डर हूँ, याद रखना, शेयर ज़रूर गिरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। शेयर हमेशा गिरते रहते, जब शेयर यहाँ पे था तभी मैंने होल्ड करने के लिए कहा था, जब शेयर यहाँ पे आया था बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया था ज़्यादा होल्ड करने से, यही होता है। आज आप लोग देख सकते हैं ये शेयर यहाँ पे जा चुका है। सो वापस शेयर ज़रूर गिरेगा, वापस ज़रूर हम लोगों को जंप करते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट अगर हम लोग देखते तो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। एंड 50%+ होल्डिंग प्रमोटर की है, सो डेफिनेटली वो कंपनी के भलाई के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा आपको और मेरे को नहीं हो रहा है, आज सबसे ज़्यादा फायदा प्रमोटर्स की हो रहा है, क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर उन्हीं के पास है। सो वीडियो को जाते थे क्लोज करते वक्त ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, भूलना मत आई बटन पे क्लिक करके जितने वीडियो दिखाई है ज़रूर देख लेना, इससे आप लोगों का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।